जैसा कि हम आपको बता दें, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में हुआ। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 209 रन 9 विकेट के नुकसान पर 50 ओवरों में 4.18 के औसत से, जिसमें 9 चौके 3 छक्के और अतिरिक्त 16 रन थे, बनाए। इसमें सबसे ज्यादा रनों का योगदान बल्लेबाज रॉस टेलर का रहा, जिन्होंने 86 रन 110 बॉलों पर बनाए। इसके दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 212 रन 4 विकेट के नुकसान पर 40.3 ओवरों में 5.26 के औसत से बनाए और इस मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज कर इस एक दिवसीय सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। इसमें बल्लेबाज इमरान हक ने 16 रन 34 बॉल में, फकार जाबल ने 88 रन 88 बॉलों में, बाकार आजम ने 46 रन 50 बॉलों में, मोहम्मद हाफिज ने 27 रन 31 बॉलों पर नाबाद रहकर, शोएब मलिक 10 रन 13 बॉलों पर, सरफराज अहमद 13 रन 17 बॉलों पर, शादाब खान ने 2 रन 10 बॉलों पर नाबाद रहकर पाकिस्तान को इस एक दिवसीय क्रिकेट मैच में जीत दर्ज कराई। अभी आपने देखी खबर एसएस की एक रिपोर्ट।